अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मास्टर फूड एंड हेल्थ व्लॉग्स। टुडे आज मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज हमारा एक माइलस्टोन है ये, और इसमें वीडियो का नाम है हाउ टू चेक अ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर उमर सुल्तान से कि वो आपको इसका इन डिटेल तरीका। मेरा नाम डॉक्टर उमर सुल्तान है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ यहाँ के हॉस्पिटल में। आज हम ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका आपको बताएंगे कि हाउ टू चेक अ ब्लड प्रेशर। यूजली ब्लड प्रेशर में दो रीडिंग्स होती हैं, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो 120 इज़ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल रेंज होती है वो 135/85 के दरमियान होती है। फिर उसके बाद जब 140/90 को क्रॉस करता है ब्लड प्रेशर, तो हम फिर कहते हैं कि हाइपरटेंशन हो गई है या ब्लड प्रेशर बढ़ने का मर्ज हो गया। तो आगे इसकी मजीद क्लासिफिकेशन है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे आम पब्लिक के लिए कि हाउ टू चेक अ ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर करने के लिए दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक ब्लड प्रेशर बीपी ऑपरेटस, ये मर्करी स्फिग्नोमीटर है, यानी कि मर्करी वाला ब्लड प्रेशर है। इसमें मर्करी का जो कॉलम होता है ये मूव करता है एयर के साथ। ये कफ है जो कि हम बाजू पर बांधते हैं, और इस कफ के साथ ये एक बल्ब है, और ये इसका नॉट है जो राइट साइड पर हम रखते हैं। इससे क्या होता है कि एयर पंप होती है, और यहाँ से मर्करी मैनोमीटर, और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये जो है स्टेथोस्कोप है, इसमें ये एयर नॉब्स हैं, इसको हम कान में लगाते हैं, और ये जो चीज़ है ये इसका जो है ना डायफ्राम है, और ये बेल है। हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, तो फिर हम यहाँ से चेक करके काउंटर चेक करके इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आवाज़ कान के ऊपर आ रही है नहीं आ रही। तो आप अपना बायां बाजू यहाँ रखिएगा। हम यहाँ से सबसे पहले पल्स चेक करेंगे। पल्स जो है वो देखें मीडियली होती है, यहाँ से हमें आना शुरू हो गई, तो हमें यहाँ से भी फील होगा कि पल्स आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम कफ को यहाँ पे हम इससे कम से कम एक या दो इंच ऊपर कफ को हम बांधेंगे, और इस तरीके से बांधेंगे कि इस पर कोई गैप ना हो। अच्छे तरीके से हम कफ को मजबूती से बांध लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना बेल रखेंगे स्टेथोस्कोप, और यहाँ से जो है हम एयर को टाइट करना शुरू करेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे हम एयर इन कर रहे हैं, मर्करी का जो मीटर है उसमें मर्करी का जो पारा है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता हम एयर को लूज करेंगे, तो मर्करी नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही जिस पोजीशन पे पहली आवाज़ आना शुरू होगी तो वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा। यानी यहाँ हमारी आवाज़ आना शुरू होगी, और देखें हल्का हल्का कॉलम भी हिल रहा है मर्करी का, तो ये 115 हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। फिर मज़ीद आस्ता आस्ता हम एयर को लूज़ करते जाएंगे, तो ये आवाज़ आ रही है आ रही है, और जैसे ही आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी कि 80 के अराउंड। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं।